हाय गाइस, तो आज हम लर्न करेंगे पॉजिटिविस्ट और पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच के बारे में। पॉजिटिविस्ट वो थे जिन्होंने ये बोला कि जो चीज साइंटिफिकली प्रूव हो सकती है, जिसका हमारे पास एविडेंस है, वो ही ट्रूथ है, साइंस इज द ट्रूथ, अदरवाइज जो चीज नहीं प्रूव हो सकती वो ट्रू नहीं है। तो ये ज्यादातर क्वांटिटेटिव अप्रोच यूज करते थे। फिर पोस्ट पॉजिटिविस्ट आए, उन्होंने ये बोला कि जरूरी नहीं है जो चीज साइंटिफिकली प्रूव ना हो सके वो ट्रूथ ना हो। इंसान के पास एक फैक्टर होता है जो कि है नॉलेज, प्रेजेंस ऑफ माइंड, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रिटिकल रियालिटी, द कॉमन सेंस, जिसकी वजह से भी जो चीज साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो सकती हमारी नॉलेज और प्रेजेंस ऑफ माइंड के थ्रू हो सकती है। अप्रोच में क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव अप्रोच दोनों यूज होता है रिसर्च के लिए। इसे क्रिटिकल रियलिज्म भी कहते हैं, क्योंकि क्रिटिकल रियलिस्टिक वो थे जिन्होंने पॉजिटिविस्ट अप्रोच, जो कि सिर्फ एक्सपेरिमेंटल और साइंस को ट्रूथ मानता है, उसको चैलेंज किया था, जिसकी वजह से उनको पोस्ट पॉजिटिविस्ट भी कहते हैं। इफ यू लाइक द कंटेंट देन प्लीज डू नॉट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।